रासायनिक क्रिया से 10 श्रेणी का ट्रिक ट्रिक हमारा है पोटेशो मैगनेसियम। लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन दो बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। पोटेशो मैगनेसियम ठीक है, इस ट्रिक को याद करना कोई भारी काम नहीं है। पोटेशो मैगनेसियम देखिए इसको कितना आसानी से हम लिख पाएंगे, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो से होता है पोटेशियम, मैं सारा डाटा को इतना जल्दी से बना लेता हूँ। पोटेशियम कैसे हो गया कैल्शियम, कैसे कैल्शियम हो जाएगा, सो से हो जाएगा मेरा सोडियम, सो से है सोडियम ठीक है ना। मैस हो गया मैग्नीशियम, बीच में एक नोट डीसी होता है ना, मैस हो गया मैग्नीशियम, मैस हो गया मैग्नीशियम, ए आया है इसके बाद क्या आया है ए, एस हो गया एल्यूमिनियम ठीक है ना। इससे बहुत स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव बनता है, देखिए कैसे लोग फंसते हैं एक नंबर में। जैसे हो गया जिंक, जिंक है ना, और लो से हो गया, लो से हो गया लोहा, और उसके बाद टा है, टा से होता है टी, टा से टी, और उसी दिशा है इसको लेड भी कहते हैं या सीसा कहते हैं ठीक है ना। अब इसका संकेत फटाफट लिया, पोटेशियम का के, कैल्शियम का सी है, सोडियम का एन है, मैग्नीशियम का एम जी, एल्यूमिनियम का ए एल, जिंक का जेड एन, लोहा का एफ ई, टिन का एस एन, सीसा का टी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हाइड्रोजन को मानक मान लिया गया, हाइड्रोजन को मानक मान लिया गया कि हाइड्रोजन से है ना, इसको मानक मान लिया, इसका संकेत एच जी होता है। इसके नीचे जस्ट जो होता है पारा होता है, पारा का संकेत एच जी होता है, क्या होता है एच जी, फिर इसके बाद ए जी होता है, सॉरी सी यू होता है, सी यू, सी यू यानी कि तांबा, तांबा के नीचे होता है ए जी, और सबसे लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में होता है ए यू, ए यू यानी कि सोडा। और इसमें एक ट्रिक ऐसा लगा दीजिए कि जैसे नीचे की ओर जाइएगा रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी का मान क्या होगा, घटेगा, यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु है पोटेशियम, उससे कम कौन है कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, सीसा, और सबसे कम क्रियाशीलता श्रेणी सोना है। इसलिए सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में पाया जाता है, ताला नहीं होता, किसी से क्रिया नहीं करता है। और इससे आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव देखिए, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा आपसे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं छूटने वाला है। देखिए कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इनमें इनमें कौन, इनमें कौन अधिक क्रियाशील धातु है, इनमें कौन अधिक क्रियाशील धातु है, कोई धातु भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कहता कोई भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिख दिया हमने एम जी, ऑप्शन नंबर बी लिख दिया इसमें से ए एन, ऑप्शन सी लिख दिया एन एन, ऑप्शन डी लिख दिया जेड एन। और एक क्वेश्चन और लिख दिया ताकि दोनों आप समझ जाइए, इनमें कौन, इनमें कौन कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु है। और हम चाहते हैं कि दूसरा कोई ऑप्शन ना लिख के जो ऊपर लिखे हैं वही लिख दें, जो ऊपर वाला ऑप्शन लिखे है ना उसी को इसमें भी ऑप्शन डाल देते हैं। एम जी ऑप्शन नंबर बी हो गया ए एन, और ऑप्शन नंबर सी हो गया एन ए, और ऑप्शन नंबर डी हो गया जेड एन। अब जैसे ये प्रश्न आता है बच्चे क्या करते हैं कि अंदाज में इधर उधर का टिक लगाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन किसका हो, वो इधर उधर टिक लगाएंगे अंदाज पे। लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स को उसका ट्रिक पता है कैसे इसको है ना करना है, जैसे हमने ट्रिक लिख दिया पोटेशियम मैग्नीशियम, एम जी है मेरा क्या आया है एम जी आया, ट्रिक लिख के उसको मान लीजिए एल आया है एल लिख दी, फिर उसके बाद एन ए आया है एन ए लिख दी, उसके बाद जेड एन आया जी, इन चार को मेरा ऑप्शन में दिया हुआ, इन चारों में सबसे अधिक ऊपर कौन है, सबसे एन ए, यानी इसमें अधिक पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वही ऑप्शन फिर दिया है लेकिन इसमें कम पूछा है, इसमें चारों में से नीचे कौन पड़ रहा है, जेड इन पड़ रहा है, इसलिए मेरा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ट्रिक का इस्तेमाल देखिए कैसे होता है, ऐसा क्वेश्चंस आप लोग क्वेश्चंस बैंक उठा के देखिएगा केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चंस आया होगा रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी से। तो इस ट्रिक को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, परीक्षा में आपका एक ऑब्जेक्टिव
कंप्लीट करता है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं याद है तो इसके बदले में आप हमें पूरा गारंटी है कि 90% आप गलती करेंगे, क्योंकि आप अंदाज पे टिक लगाएंगे। अगर आपका लक साथ दे दिया तो सही होगा, अलग नहीं साथ दिया तो गलती होगा। ट्रिक को एक बार गौर से देख लीजिए, को कैसो महज लोटी सी, को कैसो महज लोटी सी, कोई टेढ़ा नाम नहीं है। दो तीन बार रिपीट कर दीजिएगा, एक ही बार में दिमाग में ये समझ आता है, को कैसो महज लोटी सी। आप बोलते पोटेशियम, कैसे कैल्शियम, सो से सोडियम, मैं से मैग्नीशियम, ये से एल्युमिनियम, ज से जिंक, रो से लोहा, ट से टिन, सी से सीसा। हाइड्रोजन का मानक मान के नीचे की याद रख लेना है कि सबसे ऊपर में पारा रखना है, फिर तांबा चांदी सोना है, ना बड़ी इजी है।